हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो दूसरा का बी पार्ट है। इस वीडियो के द्वारा हम लोग एलएस ऑफ किडनी का स्टडी करेंगे। एलएस ऑफ किडनी का जो हम लोग प्रेजेंटेशन किए हैं, इस डायग्राम को अगर हम लोग अच्छा से समझते हैं तो किडनी के बारे में जो है उसके किडनी का एनाटॉमी बहुत बढ़िया से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे देखिए, किडनी जो है, किडनी का एलएस काटा गया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने पर किडनी के सबसे बाहर एक कवर दिखाई दे रहा है। किडनी के सबसे बाहर जो है, जिसको हम लोग रीनल कैप्सूल कहते हैं, एक टफ लेयर है। तो इस तरह से हमको एक मिला है रीनल कैप्सूल, आउटर मोस्ट टफ लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। किडनी का सबसे बाहरी कठोर जो लेयर है उसको हम लोग रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये किडनी को जो है बाहर से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो है, किडनी का इनर पार्ट दो भागों में बांटा होता है। कॉर्टेक्स, बाहरी पार्ट कॉर्टेक्स है जो हल्का रंग का होता है, हल्का गाढ़ा होता है, और उसके अंदर का जो पार्ट मेडुला जो ज़्यादा गाढ़ा पार्ट होता है। अगर हम किडनी का एलएस देखें तो हम ये दोनों पार्ट को बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं। जैसे बाहर का कुछ पार्ट जो है कम गाढ़ा रंग का होता है और अंदर का जो भाग होता है ज़्यादा गहरा होता है। तो ज़्यादा गहरा वाला भाग, अंदर वाला भाग मेडुला है, और उसके बाहर वाला कम गहरा रंग का भाग कॉर्टेक्स है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किडनी के अंदर वाला भाग जो है दो भागों में बटा होता है। आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर मोस्ट पार्ट इज मेडुला। ये मेडुला जो पार्ट है किडनी का, और शंकु के आकार कोनिकल स्ट्रक्चर में जो है डिवाइड रहता है। मेडुला पार्ट किडनी का शंकु के आकार में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। तो ये मेडुलरी पिरामिड क्या हो गया, मेडुला जो है कोनिकल पार्ट में डिवाइड होता है, उस कोनिकल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड, जो हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं, लिखे हैं नोट्स के रूप में। मेडुलरी पिरामिड, मेडुला डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। मतलब मेडुला जो है डिवाइडेड होता है कुछ कोनिकल मासेज, शंकु, कोनिकल मतलब यहाँ शंकु रूपी पिंड में बटा होता है, जिसे हम लोग मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। इसकी संख्या जो है स्पेशली इन ह्यूमंस 8 to 12 होता है। कहने का मतलब है कि मेडुला जो है, किडनी का मेडुला 8 to 12 कोनिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। किडनी का इनर जो पार्ट होता है थोड़ा सा धंसा होता है, हम लोग देखे भी हैं किडनी को, हम लोग ऐसे जो है डिनोट करते हैं। तो किडनी का जो धंसा हुआ पार्ट है ये हाइलम कहलाता है। तो कन्वेक्स जो पार्ट है किडनी का वो क्या कहलाएगा, हाइलम, जिसको हम लोग यहाँ पर नोट किए हैं। ये नोट्स का मतलब क्या होता है, गड्ढा, खाई, छोटा सा गड्ढा। ए नोट्स ऑफ इनर कन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज कॉल्ड हाइलम। किडनी का जो कन्केव अवतल भाग है वो थोड़ा सा धसा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम से थ्रू इट यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इत्यादि क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। ये हाइलम के अंदर एक स्पेस होता है जो फनल शेप्ड मतलब कीप नुमा होता है। इस
किपनुमा भाग को हम लोग पेल्विस बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम, ए ब्रॉड मैंने चौड़ा, फनल मैंने किपनुमा स्थान, इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर एक चौड़ा और किपनुमा भाग होता है जिसको हम लोग हाइलम का पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस जो है प्रोजेक्टेड होता है, एक उभार के रूप में जो है उभरा हुआ होता है, जिसको हम लोग कैरिक्स कहते हैं। तो रीनल कैरिक्स, इसका पोडल कैरिक्सेस है। ये कैरिक्स जो है दो भागों में बटा होता है, एक माइनर और एक मेजर। जो बड़ा उभार बनेगा तो मेजर होगा, इसकी संख्या 2 से 3 हो सकता है, और माइनर कैरिक्स 7 से 13 संख्या में। सेक्शन ऑफ पेल्विस इज कॉल्ड कैरिक्स। उसके बाद में एक कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुलरी पिरामिड के अंदर क्या होता है, धसा होता है, फैल जाता है। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला के अंदर धसा होता है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में धसा होता है, जिसे हम लोग रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बार्टिनी कहते हैं। बार्टिनी जो है यहाँ पर डिस्कवरर है, इसका वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो कॉलम ऑफ बार्टिनी या रीनल कॉलम क्या है, तो ये वास्तव में कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, जो मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में जो स्पेस है उसके अंदर क्या हो गया है, एक्सटेंड कर गया, फैल गया है, जिसको हम लोग रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बार्टिनी कहते हैं। इस किडनी के अंदर, प्रत्येक किडनी के अंदर 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, लगभग 10 लाख ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो है इस किडनी के अंदर जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो इस किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो हम लोग अगले वीडियो में इसका स्टडी करेंगे।